अहम खबर आपको देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जंग शोरकोट समंदरी चिनियोट में जलजला आया है। सरगोदा खानेवाल मुल्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ के बाइस घरों से बाहर निकल आए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जंग शोरकोट समंदरी चिनियोट में जलजले के झटके आए हैं, जबकि सरगोदा खानेवाल मुल्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ और हिरास में मुब्तला हो गए हैं, जबकि घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग खौफ में मुब्तला हैं। इस वक्त आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे सलमान आवान, नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, शिद्दत क्या बताई गई है, रेक्टर स्केल क्या बता रहा है, सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल जहाँ इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, यहाँ पर सूरत-ए-हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि रावलपिंडी और कई दीगर शहरों में भी पंजाब के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन फौरी तौर के ऊपर अभी कुछ कहना इस हवाले से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अभी चंद लम्हे पहले ही जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और इस हवाले से जो महकमे मौसमियात है, यकीनी तौर पर वो रिक्टर स्केल की जो रीडिंग्स हैं, मेजरमेंट जब वो आएंगी फिर ही हम कुछ कह सकेंगे। पंजाब के वसी और रीज इलाकों के अंदर जो है, ना सिर्फ शुमाली पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब में तौंसा शरीफ तक जो ये जलजले के झटके हैं वो महसूस किए गए। इसके अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो डी आई खान, लकी मरवत, सवात तक से भी तलाश आई है कि वहाँ पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा शांगला, बुनेर, लोयतीर, मलाकंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के दीगर इलाकों की बात करें तो चनियोट, कालाबाग, शाहकोट, कमालिया, सुखे की, ननकाना साहब, सरगोदा, तांदलियाँ वाला, जंग, जड़ावाला, फारूकाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, इन तमाम इलाकों से इतलात हैं कि जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। अभी फौरी तौर पर महकमे मौसमियात की जानिब से रिक्टर स्केल की जो रीडिंग है वो मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये जलजले के झटके जो हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि तेज थे। बाज़ इलाकों के अंदर शायद इनकी नौइयत जो है वो कहीं हल्की कहीं तेज थी, लेकिन मजमूई तौर पर ये ऐसा जलजला था जो कि लोगों ने महसूस किया है। बहुत सारे इलाकों के अंदर बिल्डिंग से हमने देखा कि लोग जो है वो बाहर भी निकले हैं। अभी लोग बाहर भी निकले हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।